करेंगे म्यू अस्पताल का, तो डेंगू टेस्ट की रिपोर्टिंग में संगीन गफलत। म्यू अस्पताल में डेंगू टेस्ट मशीन गलत रिपोर्टिंग देने लगी है। गलत रिपोर्ट से मरीजों डॉक्टर्स को इलाज में दुश्वारी का सामना है। किस रिपोर्ट के मुताबिक मरीज का इलाज करें, डॉक्टर्स भी परेशान हैं। अजमत आवान हमारे साथ मौजूद हैं, इस मामले पर मजीद डिटेल्स हम उनसे जान लेते हैं। जी अजमत, अजमत बिल्कुल, एक तरफ जो डेंगू का जो हमला है उसमें शिद्दत दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ जो सरकारी अस्पताल है वो कीमती जानों से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और यही सूरत हाल मेहू अस्पताल में है कि मेहू अस्पताल में जो डेंगू टेस्ट मशीन है वो गलत रिपोर्टिंग देने लगी है, और गलत रिपोर्टिंग से ना सिर्फ मरीजों को तकलीफ का सामना है बल्कि डॉक्टर्स को भी इलाज मुआवजे में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। और डॉक्टर्स परेशान हैं कि किस रिपोर्ट के मुताबिक जो मरीज का इलाज है वो करें, क्योंकि मेहू अस्पताल में एक मरीज की दो रिपोर्ट्स के बिल्कुल मुख्तलिफ जो नतज हैं वो सामने आए हैं, जबकि शदीद तकलीफ में मुब्तला अफराद का जो डेंगू टेस्ट है वो मेहू अस्पताल की इमरजेंसी में किया गया, तो पहली दफा जब टेस्ट किया तो रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई और उसमें प्लेटलेट 288 बताए गए। तो जब जब इस पर शुबा हुआ कि एक मरीज की हालत इतनी खराब है तो रिपोर्ट किस तरह ठीक आ सकती है, तो जब दोबारा रिपोर्ट की गई तो वही रिपोर्ट जो 288 शो हो रही थी उस फौरी तौर पर उस मशीन ने जो जो प्लेटलेट्स हैं वो 75 बताए। तो रिपोर्ट में तजाद पर बरवक्त जो इलाज है वो शुरू ना होने से मरीज के जान के जो हैं लाले पड़ गए हैं, और जराए के मुताबिक कई मरीजों को गलत रिपोर्टिंग की बुनियाद पर डिस्चार्ज भी कर दिया गया। और हमारे जराए ने यह भी बताया कि पिछले साल में जो डेंगू की नई जो टेस्टिंग मशीन थी वो आई थी, लेकिन जैसे ही MS डॉक्टर सखार की तब्दीली के साथ ही जो नई मशीनें हैं उनको वापस डंप कर दिया गया, जबकि पुरानी मशीनें ही हैं दोबारा उनको बहाल कर दिया गया, ताकि जो कॉन्ट्रैक्टर था पुरानी मशीनों वाला उन्होंने कुछ जराए के मुताबिक कुछ पैसा लगा के जो नई मशीनें हैं वो सामने नहीं आने दे रहे, उससे टेस्ट नहीं हो रहे, और जो नई मशीनों से टेस्ट ना होने की वजह से गलत रिपोर्टिंग आ गई है। तो जो मरीज हैं उन्होंने जो जिला इंतजामिया और हुकूमत पंजाब से यही दरख्वास्त की है कि खुदारा जो भी है मशीनों को फौरी तौर पर ठीक करवाया जाए, ताकि जो उनकी जिंदगी है जानी कीमतें हैं उसे ना खेला जाए, क्योंकि गलत रिपोर्टिंग की बुनियाद पर 200 अफराद ऐसे हैं जिनको डिस्चार्ज कर दिया गया लेकिन जब घर जाते हैं तो उनकी हालत काफी तशवीशनाक होती है। हमारे साथ अजमत आवान थे, तफसील आगाह कर रहे थे।